Before apple, B for ball, C for cat, D for dolphin. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से किड्स चैनल के लिए लेटर टू फिगर मैचिंग वाला वीडियोज कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं हूँ सुजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुजय इन्फोटेक। अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और सारे वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर उसकी जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर सेट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात की जानकारी दे दे कि इस वीडियो को दो भागों में बनाया गया है। यह वीडियो का पहला भाग है, दूसरे भाग का लिंक आपको ऊपर के आई बटन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, इसके लिए आपको कुछ इस तरीके के फोटोज वगैरह बनाने पड़ेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, एक साइड में ए बी सी डी लिखा हुआ है और दूसरी साइड में कैट, एप्पल और डॉल और बॉल का फोटो है। तो इस तरीके के पहले आपको फोटो डाउनलोड करने होंगे। फोटो डाउनलोड करने के लिए हमने आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट किया था पिछले वीडियो में, जिसका नाम है इमेज सर्च। तो सिंपल आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, यह बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप किसी प्रकार के पीएनजी फॉर्मेट के जो फोटोज वगैरह होता है उसे इजिली वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आप आएंगे इस एप्लीकेशन में और सर्च करेंगे एप्पल पीएनजी फोटो। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एप्पल से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर फोटो दिखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल आपको जो भी अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक डाउनलोड का एरो दिखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको ए से लेकर के जेड तक के जितने सारे फिगर होते हैं, जैसे कि ए फॉर एप्पल, वी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो इस तरीके के सारे फिगर आपको ए से लेकर के जेड तक के डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद सिंपल आपको चलना है अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। ये रहा पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। तो सिंपल आप आएंगे पिक्सल लैब में, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से इमेज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज साइज के रूप में यूट्यूब का जो थंबनेल साइज होता है 16:9 रेशियो वाला, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो टेक्स्ट लेयर है इसे आप यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे आप कर लेंगे व्हाइट, इस कलर वाले सेक्शन पर क्लिक करके। उसके बाद सबसे पहले आप इस पर टेक्स्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर डबल टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैपिटल लेटर में ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी और जस्ट उसके नीचे डी कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन, ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक साइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका जो कलर है आप यहां से डिफरेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहां से ए का कलर कर लेते हैं रेड, वहीं यहां से बी को सेलेक्ट करके बी का कलर कर लेते हैं यहां से कोई अच्छा सा ब्लू। यहां से हम कलर को भी चूज कर सकते हैं। वहीं हम फिर से यहां से सी को सेलेक्ट करके यहां से सी का कलर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और डी का कलर यहाँ से हम कर लेते हैं कुछ और तरीके से। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको चारों लेटर का कलर अलग अलग कर लेना है। उसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपल हम इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हम खुद का फॉन्ट इसमें जो हमने ऐड किया हुआ है उस वाले फॉन्ट को ले लेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप सीखना चाहते हैं कि पिक्सल लैब में खुद का फॉन्ट कैसे ऐड करें तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका एक आपको प्रॉपर वीडियो बना देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर ए फोर एप्पल, बी फोर बॉल का फोटो लगाना है जो कि हमने डाउनलोड करना आपको सिखाया था। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके अपने फोटोज़ को ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से चारों फोटो को ऐड कर लेते हैं स्क्रीन पर। तो सिंपल दोस्तों, कुछ इस तरीके से चारों फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और थोड़ा इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि जैसा कि ए है तो ए के सामने सामने एप्पल नहीं होना चाहिए, वहीं बी है तो उसके सामने सामने बी से बॉल होता है तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपको अलग इधर उधर करके ऐड कर देना है, यानी कि डिफरेंट टाइप से आपको करना है, सामने सामने नहीं रखना है, जैसा कि हम यहाँ से एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो सिंपल दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको ए बी सी डी को और एक साइड में जो फोटोज वगैरह है उसे अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद सबसे पहले आपको इस फोटो को सेव कर लेना है। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। फोटो को सेव करने के लिए सिंपल आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज पर क्लिक करके इसे पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ से
सेव कर लेंगे क्योंकि PNG फॉर्मेट थोड़ा हाई क्वालिटी होता है। तो चलिए यहाँ से हम फोटो को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अब हमें यहाँ पर एरो डिज़ाइन करना है। तो एरो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सभी को लॉक कर देंगे ताकि यह अपने स्थान से मूव न हो। तो सिंपल दोस्तों, इतना करने के बाद अब बारी आती है हमें SVG एरो बनाने के लिए। तो SVG टाइप के एरो बनाने से पहले यहाँ पर हम PNG फॉर्मेट के एरो बनाते हैं, उसके बाद हम उसे SVG में कन्वर्ट करेंगे और उस SVG एरो को हम बिनीमे वाली एप्लीकेशन में ड्रॉ कराएंगे। यहाँ पर हम खुद से SVG इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बिनीमे में इस तरीके का SVG ड्रॉइंग वाला एरो नहीं दिया गया है। तो सिंपल एरो बनाने के लिए सबसे पहले आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोनों साइड तीर की तरह बना हुआ एक एरो दिखेगा, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के बाद थोड़ा सा आप इसे पतला कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक करेंगे और इसे A4 एबल के सामने ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह A के सामने हो गया, ये मेरा A4 एबल के लिए एरो बन गया। ठीक इसी तरीके से हमें B4 बॉल के लिए बनाना है, तो हम दूसरा शेप नहीं लेंगे, हम इसी को कर लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसी को खींच करके लाएँगे बी के पास और V4 मेरा बॉल है तो थोड़ा सा इसे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसे B के पास खींच करके लाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसे और रोटेट करना होगा। तो ठीक इसी तरीके से हम B4 बॉल के लिए, C4 कैट के लिए, D4 डॉग के लिए और इसके बाद अगला पेज पर जो D के बाद EFG बचेगा, इसी तरीके से आपको 6-7 बनाने होंगे क्योंकि आपको A से लेकर के Z तक वीडियो बनानी है। तो इस पेज पर तक केवल हमारा D तक ही अटा है, तो इसलिए हम D तक ही ले रहे हैं। आपको केवल अगले पेज पर, आपको अगले पेज पर डी के बाद EFGHIJK LMN है उन सभी का फोटो इस तरीके से बनाना होगा जेड तक की वीडियो बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर आपको डी तक का ही उदाहरण बता रहे हैं, आप इस तरीके से आगे और बना सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से कर लेंगे, इन एरो को आप बना लेंगे 4 एरो को, ये 4 एरो एक पेज पर बन जाएगा ना, तो इसी 4 एरो का इस्तेमाल आप 26 लेटर में भी कर सकते हैं क्योंकि आगे जो लेटर आएंगे सेम इसी पैटर्न पर लिखे जाएंगे और फोटो भी इसी पैटर्न पर लगाए जाएंगे, तो इसी एरो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे हम बताने वाले हैं कैसे करना है। तो सिंपल इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, फिर वहीं आपको डी के लिए एरो को इसी को कर लेना है यहाँ से कॉपी और इसी तरीके से आपको रोटेट कर करके कुछ इस तरीके से, जैसा कि ये मेरा हो गया डी के लिए D4 ये डॉल है, तो हम यहाँ से डी के सामने कर देंगे यहाँ से और थोड़ा सा इसका साइज कर लेंगे छोटा। फिर से हम इसी को कर लेंगे कॉपी और ये B4 बॉल है तो हम यहाँ से बॉल का, सॉरी C4 कैट है तो हम यहाँ से कैट के जो सामने है उसे कर देंगे। इस तरीके से मेरा एरो बन गया। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिए, इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये पहले देखिए ध्यान, सभी जो एरो बना है सभी के सामने है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इससे सभी को हाइड कर देंगे। सबसे पहले हम जो ABCD लिखा हुआ उसको हाइड करेंगे, उसके बाद एप्पल को हाइड करेंगे और जो भी फोटो वगैरह लगा हुआ है उसे हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद जितने हमने अब एरो यहाँ पर बनाया हुआ था केवल वह एरो दिख रहा है, तो सबसे पहले हम टॉप वाले एयर को दिखाएंगे और सभी को हाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक एरो दिख रहा है और इसे हम PNG फॉर्मेट में सेव करेंगे। PNG फॉर्मेट में सेव करने से पहले आपको इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना होगा और इस फोटो को आपको PNG फॉर्मेट में सेव कर लेना होगा, इस एरो को। अभी हमारा एक एरो यहाँ पर सेव हुआ। ठीक उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले को हाइड कर देंगे और दूसरे वाले को दिखा करके इसे सेव कर लेंगे। इस सभी एरो को हम क्या करेंगे, इसी तरीके से PNG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। ये हम लगभग तीसरा एरो को सेव कर लिए, फिर इसी तरीके से हम यहाँ से चौथे एरो को भी एक एक करके कुछ इस तरीके से हम इसे सेव कर लेंगे। अब ये मेरा एरो PNG फॉर्मेट में हमारे फ़ोन में सेव हो चुका है। हम आपको गैलरी में चल करके दिखा देते हैं। तो ये अपने पिक्सल है फाइल में आप देख सकते हैं, यही वो एरो है, सॉरी यार यहीं वो एरो है जो कि अभी आपने देखा। यहाँ पर 4 एरो होगा, 2 हो गया, 3 हो गया और ये चौथा रहा। उसके बाद ये मेरा बैकग्राउंड है जिस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये तो हमारा अभी PNG फॉर्मेट में एरो बना। आप देख सकते हैं ये जो सारे एरो बने हुए हैं PNG फॉर्मेट में, यहाँ पर हम आपको डिटेल्स में दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं इन सभी के जो लास्ट में फॉर्मेट है .png।
हमें SVG में बनाना है, इसे अब हमें SVG में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट का सहारा लेंगे, उसके पहले अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट ऑफ करेंगे और एक वेबसाइट है जो कि PNG फॉर्मेट फाइल को SVG में कन्वर्ट करके देता है। तो सिंपल हम आएंगे गूगल पर और गूगल पर सर्च करेंगे PNG to SVG। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सर्च किया। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने टॉप में एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने वो PNG का जो एरो था उसे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये गया अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल में और ये रहा मेरा वो चारों एरो जो कि ब्लैक में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम टॉप वाले को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यह लगभग 3 से 4 सेकेंड का टाइम लेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपल हम उस डाउनलोड पर क्लिक करके इसे SVG में डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुका है और इसके जो लास्ट में आप देख सकते हैं फॉर्मेट लिखा हुआ है .svg। तो सिंपल हम इस डाउनलोड वाले जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये जो मेरा फाइल है पहले जो PNG में था वह अब SVG में हो गया। ठीक इसी तरीके से हम चारों को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से फिर से हम इसी कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब की बार हम दूसरा एरो को ले लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पहला बन करके आ गया, अब ये मेरा बन गया है। फिर से हम इस दूसरे वाले को लेंगे, दूसरे वाले को फिर उसी तरीके से हम इस कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से SVG सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम इसे PNG से SVG कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको चारों एरो को PNG से SVG में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको चलकर दिखाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पहले PNG फॉर्मेट का एरो था ये आप देख सकते हैं टॉप में .svg करके दिख रहा है। एक बात आपको बता दें, SVG फाइल बहुत सारे फ़ोन में शो नहीं होता है, जैसा कि मेरे फ़ोन में भी शो नहीं हो रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बोलेगा दूसरे फाइल में ओपन होने के लिए और वहाँ पर भी ओपन नहीं होगा। तो ये जो आप चारों PNG देखे थे ब्लैक कलर में और यहाँ पर जो नॉन शो वाला बता रहा है चारों टॉप वाले, ये मेरा वही PNG है जो कि SVG में कन्वर्ट हुआ है। इतना करने के बाद अब आपको आना है अपने मोबाइल फ़ोन के। दोस्तों यह वीडियो का पहला पार्ट था, इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों यह वीडियो का पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट को देखने के लिए दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों यह वीडियो का पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट को देखने के लिए दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों यह वीडियो का पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट को देखने के लिए दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों यह